मामले में एसओजी ने की और गिरफ्तारियां। 10 गिरफ्तारी के बाद आज फिर हुई 3 गिरफ्तारी। गिरफ्तार तीनों आरोपी हैं भाई, 2 कांस्टेबल और एक छोटा भाई, बीएड सेकंड एरियर का छात्र है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी संजय मीणा के संपर्क में थे ये तीनों। फरार मास्टरमाइंड बत्तीलाल और हेमराज की तलाश भी लगातार जारी है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशुतोष, पूरी जानकारी क्या है, 3 और गिरफ्तारियां? आज कुल 3 और गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण में हुई हैं। जो रीट कथित पेपर लीक मामला है उसमें लगातार एसओजी की जो धरपकड़ है वो लगातार जारी है। इसके अंदर जो 2 प्रमुख मास्टर माइंड है, बत्तीलाल और हेमराज, दोनों ही फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़कर एक एक करके कार्रवाइयां हो रही है। अब तक इस पूरे मामले में 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जानकारी में ये भी आया है कि जो बत्तीलाल का भाई है राजेश, उसकी भूमिका भी किसी तरीके से इस पूरी के पूरे जो षड्यंत्र था उसके अंदर शामिल थी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारी बताई जा रही है। 2 इसके अंदर राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हैं और एक छोटा भाई है। तो ये संजय मीणा के संपर्क में थे और संजय मीणा सीधे तौर पर संपर्क था बत्तीलाल के। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्य सरकार लगातार अलर्ट है। विपक्ष की तरफ से इसको मुद्दा बनाया गया, सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि एसओजी के पास अगर किसी भी व्यक्ति के पास इसको लेकर कुछ मजबूत साक्ष्य हैं वो एसओजी को प्रस्तुत करे, चाहे वो विपक्ष हो या आम व्यक्ति हो। तो एसओजी की लगातार जो धरपकड़ है वो जारी है, लेकिन इसमें मुख्य कड़ी जो है, पूरा जो केंद्र बिंदु है इस पूरे कथित पेपर लीक मामले में, वो बत्तीलाल है। बत्तीलाल और हेमराज की गिरफ्तारी के बाद बहुत हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये पेपर कैसे सवाई माधोपुर से निकल के राजस्थान के किन किन जिलों में पहुंचा, किन किन व्यक्तियों तक पहुंचा और किस तरीके से इस पूरे कथित पेपर लीक को जो डील हुई थी उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये आंच और बड़ी होगी क्योंकि लग रहा था कि मामला शायद शांत हो गया है, जिस लेवल पर गिरफ्तारियां हुई वही लोग हैं, लेकिन 3 की गिरफ्तारी के बाद वो भी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये अगर जांच पड़ताल होती तो मसला और बड़ा, यानी ये गिरफ्तारियों की चेन बढ़ती जाएगी क्या? देखिए संजय, बिल्कुल इसमें गिरफ्तारी की जो चेन है वो बिल्कुल बढ़ सकती है। अब इसमें एक एक करके जैसा एसओजी जो एक बेसिक पुलिसिंग का पार्ट होता है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर इस कार्रवाई में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती। कौन परीक्षा, अगर किसी परीक्षार्थी का नाम आता है तो वो किसके संपर्क में आया था, जैसे इस परिवार का नाम सामने आया। दरअसल इसमें जो कहीं ना कहीं अपराध हुआ है उसमें बहुत सारे जो शख्स हैं वो ज्यादातर एक ही परिवार के शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कार्रवाई हुई है उसमें भी ऐसा दिखाई दे रहा है। बत्तीलाल है, उसके परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो भी इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल थे। अब इसमें जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं उनके आधार पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके आधार पर आगे कुछ लोगों तक एसओजी पहुंची है। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम गिरफ्तारी होगी वो बत्तीलाल की और हेमराज की, जिसके बाद में ये मुख्य जो सूत्रधार है इस पूरे कथित पेपर लीक के अंदर उसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये पेपर लीक किस व्यक्ति से बत्तीलाल को प्राप्त हुआ था। क्योंकि 8:32 का अगर ये पेपर उसके पास आ जाता है, यानी कि काफी देर पहले उस तक पेपर पहुंचा होगा, तो वो कौन ऐसा शख्स है, क्या वो सिस्टम का व्यक्ति है, वो कौन है, ये खुलासा होगा उसके बाद में। जी बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद। और इस पर तमाम जानकारी के लिए बड़ी खबर है कि 3 की और गिरफ्तारी हो गई है। एसओजी की टीम लगातार पूरे मामले पर गिरफ्तारियां करती जा रही है, 13 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो गई है।